अभी ये जो प्रोडक्ट आपको यहाँ पर दिख रहा है स्क्रीन पे, ये हमारा सीबीजी प्लस है। सीबीजी प्लस आज के डेट में स्पेशली फॉर लेडीज ये बहुत ही अच्छा प्रोडक्ट है। कई मामलों में जेंट्स में भी काम करता है, लेकिन ये लेडीज के लिए बहुत ही ज्यादा स्पेशल है, बहुत ज्यादा बढ़िया है। तीन कंपोजिशन है इसमें, बियर बेरी, क्रेनबेरी और ग्रेप सीड, ये तीन कंपोजिशन है और तीनों बहुत बढ़िया कंपोजिशन। ये इसकी एमआरपी है 956 रुपये, ये हमारे डीपी डिस्ट्रीब्यूटर प्राइस है 713 रुपये में आता है। आपको बता रहे हैं ये प्रोडक्ट एक छोटा सा डब्बा है जिसमें 30 कैप्सूल में आता है ये, और आज तक इसका इसका रिजल्ट में कहीं कोई मिसिंग नहीं हुआ। काम कौन कौन सा करता है बुक के हिसाब से आपसे बात करते हैं, उसके बाद डेली यूजेस में हमने इसमें क्या क्या रिजल्ट लिए हैं उस पर बात करेंगे आपसे भी, और मैं खुद भी बताऊंगा। सबसे पहले इसमें लेडीज के लिए स्पेशली यूटीआई इन्फेक्शन में बहुत अच्छा काम है इसका, इस प्रोडक्ट का। मतलब यूटीआई इन्फेक्शन मतलब यूरिन ट्रैक इन्फेक्शन, यूटीआई मीन्स यूरिन, टी मीन्स ट्रैक, और इन्फेक्शन आई मीन्स ये, यूटीआई इन्फेक्शन में बहुत ही अच्छा काम करता है ये। और किसी भी तरह का यूरिन से रिलेटेड इन्फेक्शन हो, चाहे वो जेंट्स में हो चाहे वो लेडीज में हो, यूरिन से रिलेटेड इन्फेक्शन हो उसमें बहुत बढ़िया काम है। अब ये यूरिन से रिलेटेड इन्फेक्शन में क्या है, जैसे यूरिक यूरिक एसिड हमने सुना है, यूरिक एसिड वो यूरिन से रिलेटेड प्रॉब्लम है। अब उस वो इन्फेक्शन है उसमें बहुत ही अच्छा काम करेगा ये प्रोडक्ट अगर हम लोग चलाते हैं तो। दूसरा बात है इसमें ये रिड्यूस एंड रिड्यूसेस हॉट एंड व्हाइट फ्लशेस, मतलब आप समझिए जिसको सफेद पानी है उसमें बहुत बढ़िया काम है। आपका नाइट फॉल जिसको जो जैसे क्या बोलते हैं लिकोरिया हो जाता है उसमें बहुत अच्छा काम है। यूरिन के साथ में मिल करके व्हाइट लिक्विड भी आता है जिसको लिकोरिया, सफेद पानी, प्रदर जो बोल लीजिए आप, उसमें भी बहुत अच्छा काम है इसका, बहुत बढ़िया रिजल्ट है। आप एकदम किसी को भी दे सकते हैं, हमारी माँ बहनों को किसी को भी दे सकते हैं। अब क्या होता है इसमें रिकरिंग ब्लैडर ब्लैडर होता है जो जो हमारा जो लेडीज में उसमें इन्फेक्शन होता है, उस इन्फेक्शन में भी बहुत अच्छा काम करेगा जो आपका रिकरिंग ब्लैडर इन्फेक्शन में, इसलिए ये प्रोडक्ट उसके लिए भी बहुत बढ़िया है ब्लैडर इन्फेक्शन। आप अभी हम आपको और क्लियर बताएंगे। आपका कई बार क्या होता है कि इसमें लिखता है रिलीफ्स यूरिनरी अर्जेंसी नाइट टाइम वॉकिंग फॉर यूरिनेशन, बार बार रात में पेशाब किसी को भी आता हो, कोई महिलाओं को, माँ बहनों को आता हो, उसमें बहुत फायदा होता है इसमें। प्रोटेक्ट्स फ्रॉम सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेस लाइक एड्स या गोनोरिया एंड सिफिलिस, जैसे जो हम लोग एक संबंध बनाते समय जो कई प्रॉब्लम आता है, जैसे मान के चलिए उसमें लिकोरिया हो गया उसके वजह से होता है, एड्स हो गया, सिफिलिस हो गया, गोनोरिया हो गया, इस पे बहुत बढ़िया काम है इसका। हाँ भाई, ये हम लोग यूट्रेस के लिए आज के डेट में जो हमारा खान पान है उसके चलते हम लोग यूट्रेस में बहुत परेशान रहते हैं। कई आप महिलाओं को देखेंगे डॉक्टर के पास जैसे ही जाते हैं वहां पर जाने के बाद बोलते हैं नहीं आपका प्रॉब्लम है, बच्चेदानी में सूजन है, बच्चेदानी में इन्फेक्शन है, बच्चेदानी में आपका प्रॉब्लम, आपको निकालना पड़ेगा। आप बिलीव करिए यहाँ पर अगर ये प्रोडक्ट को हम देंगे ना तो हमारा बच्चेदानी नहीं निकालना पड़ेगा, ये जो हमारा आपका यूट्रेस जो प्रॉब्लम है, इवन कि ये प्रोडक्ट हमारा यूट्रेस कैंसर से यूट्रेस कैंसर नहीं होने देगा। अगर यूट्रेस कैंसर है भी तो उसमें भी हम इसके साथ में कर्क्यूमिन डालेंगे तो उसमें भी हम रिकवर हो सकते हैं एकदम आराम से, कोई एक टेंशन लेने का बात कहीं से नहीं। तो ये यूट्रेस कैंसर में बहुत अच्छा, जब यूट्रेस कैंसर में काम कर रहा है तो यूट्रेस का इन्फेक्शन में कैसे नहीं काम करेगा, जब यूट्रेस में काम कर तो यूट्रस का सूजन है उसमें कैसे नहीं काम करेगा, क्योंकि कैंसर जो है वो लास्ट स्टेज है, सबसे पहले इन्फ्लेमेशन है स्टेज, इन्फ्लेमेशन वही सूजन हो गया, फिर आपका धीरे धीरे इन्फेक्शन है वो स्टेज, और इन्फेक्शन काफी लंबे समय तक रहेगा, सालों साल रहेगा, तब जाके वो कैंसर में कन्वर्ट होता है, तो फिर वो कैंसर तो यूट्रस कैंसर होने ही नहीं देगा ये, और अगर है तो उसमें रिवर्स करेगा। अब उसके बाद में आप देखेंगे रिड्यूस रिस्क ऑफ प्रोस्टेट कैंसर। अब क्या है ये प्रोस्टेट, आपको बता रहे हैं प्रोस्टेट जो होता है वो महिलाओं में नहीं होता है, प्रोस्टेट हमारे पुरुषों में होता है, तो पुरुष में जो प्रोस्टेट है उस पे बहुत बढ़िया फायदा है। जो हम लोग प्रोस्टेट अभी कल ही बात हुआ प्रोस्टेट के ऊपर में, प्रोस्टेट में क्या होता है हमारा प्रोस्टेट इनलार्ज हो जाता है, और इनलार्ज हो जाता है तो हमको क्या होता है कि यूरिनेशन बार बार जाना पड़ता है, पेशाब को लंबे समय तक रोकने की क्षमता नहीं होती है। आप देखेंगे रात में कोई 10 बार उठ गया, कोई 5 उठ गया, कोई 7 उठ गया, कोई 8 बार उठ गया, तो ये एकदम प्रेशर से होता है,
तो ये बार बार यूरिनेशन को रोकता है और ये धीरे धीरे प्रोस्टेट कैंसर बनने के कंडीशन में आता है, तो उसमें ये बहुत। अब क्या होता है, इनहेंस सेक्सुअल डिजायर एंड सेटिस्फेक्शन। कई बार क्या होता है, इस तरह के डिजीज होने की वजह से क्या होता है कि जैसे महिलाओं और पुरुषों में जो संबंध होते हैं इसको से उसमें क्या होता है कि महिलाओं को इच्छा नहीं होता है, कई बार पुरुषों को इच्छा होता है, महिलाओं को इच्छा नहीं होता है, और सेटिस्फेक्शन मिलता है। बट इसको यूज करने के बाद उनको इच्छा भी अच्छी रहेगी और सेटिस्फेक्शन भी बढ़िया रहेगा उसमें। उसके बाद है क्या, इनहेंस मेल पोटेंसी एंड ओवरकम फटिक। अभी आप देखिएगा, ये प्रोडक्ट अगर हम जेंट्स को देते हैं तो जेंट्स में आपको बता रहे हैं कि ये मेल फर्टिलिटी में काम करता है, मतलब पुरुषों के पुरुषत्व में बहुत अच्छा काम करता है ये। और आपको अभी और बता रहे हैं, इसमें जो कंपोजिशन दिया हुआ था जिसके बारे में अभी आप बोले, बियर बेरी, क्रैनबेरी और ग्रेप, ये किडनी के फंक्शन में बहुत अच्छा काम करता है। बियर बेरी क्रैनबेरी और ग्रेप। अभी आप जानेंगे क्रैनबेरी, क्रैनबेरी किसको बोलते हैं? अभी क्रैनबेरी जो जंगल में देहात में रहते हैं, मेरे समझ से आप जानते होंगे, कनोद सुन होंगे शायद, एक छोटा छोटा सा आकार का होता है और जंगल में बहुत होता है, कांटेदार पेड़ होता है पौधा, और बहुत बड़ा पेड़ भी नहीं होता है, तो वो क्रैनबेरी हो गया। फ्रूट्स है, क्रैनबेरी भी फ्रूट्स है, बियर बेरी भी फ्रूट्स है, ग्रेप सीड। उसके बाद में आप देखिएगा कि जैसे इरेगुलर पीरियड्स में इसका बहुत अच्छा। अब हम लोग देखिए, सारी प्रॉब्लम आपको हम बता रहे हैं, सारे प्रॉब्लम हमारे खान पान की वजह से है ज्यादातर। हम देखते हैं हमारी माँ बहनें बच्चियां, वो क्या करती है कि सुबह सारा काम घर का करने के बाद में ब्रेकफास्ट होगा 10 बजे 11 बजे, उसके बाद नाइट में सबसे लेस्ट में खाना होगा, और बीच में क्या होता है कि बाहर का सामान हो गया, कभी मान लीजिए कभी मैगी हो गया, कभी आपका पास्ता हो गया, कभी आपका क्या बोलते हैं बाहर का सामान हो गया, छोला हो गया, और भी जो भी बाहर के आइटम है जिसको हम फास्ट फूड बोलते हैं या हम बोलते हैं जंक फूड बोलते हैं, या बाहर के जो सामान है जो उनको बहुत पसंद आते हैं, जो ज्यादा खट्टापन होता है, कई तरह का होता है उसमें, तो ये सब खाने की वजह से उनका सिस्टम पूरा का पूरा बिगड़ जाता है, बॉडी में बहुत सारे टॉक्सिन्स हो जाते हैं और डाइजेशन का बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो जाता है। ऐसे में इस तरह से उनको क्या होने लगता है, इरेगुलर पीरियड्स भी होने लगते हैं, शरीर पूरा वीक हो जाता है, इरेगुलर पीरियड्स, टाइमिंग का बड़ा इशू हो जाता है। तो ये इरेगुलर पीरियड्स में बहुत अच्छा काम है, आप सुनेंगे ना कभी कभी, ये इरेगुलर पीरियड्स जो है ना ये बड़ा खराब चीज है। कई बार देखेंगे कि शादी के 4-5 साल हो गए, किसी को बच्चे मतलब नहीं हुए, मान लीजिए वो खुश खुश नहीं है, वो परेशान है, बहुत निराश है कि हमको अभी तक हमको खुशी नहीं मिली, अभी तक हमको कोई संतान नहीं हुआ। इसके पीछे जो फैक्टर है वो फैक्टर है आपका इरेगुलर पीरियड का भी फैक्टर। तो अगर हम इसको बराबर लेते हैं, और ऐसे पेशेंट ऐसे लोग हैं जो नहीं संतान है, आप उसको भी अगर सही से खिला देंगे ना सर, इसके साथ मिनी केयर, इसके साथ आपका सीबीजी प्लस, अगर जरूरत पड़े तो ओमेगा मैक्स एफ, और उसके साथ में आपको और जरूरत पड़े तो लिग्नोफ्लेक्स, अगर इस तरह का कुछ खिला देंगे, आप देखेंगे ना 2-3-4 महीने में कई लोगों को इसी से खुशखबरी मिल जाएगी। बहुत परेशान है, बहुत भाग दौड़ कर रहे हैं, बहुत सारा कुछ हो गया, अगर वो फॉल्ट मतलब है हमारी, मान लीजिए हमारी बहनों में है या महिलाओं में है, तो आप मान के चलिए कि उसको ये फायदा बहुत ज्यादा हो जाएगा। उसके बाद आपका ये रिड्यूसेस बर्निंग सेंसेशन आफ्टर इंटरकोर्स। कई बार क्या होता है कि संबंध बनाते समय तकलीफ होती है महिलाओं को, ज्यादा जलन होता है, यूरिनरी मतलब उसमें होता है, तो उसमें ये बहुत फायदा होता है, जलन वलन कुछ होता नहीं है इसमें। तो कुल मिलाकर के ये हो गया हमारा जो बुक के हिसाब से दिया हुआ है। अब हम बात करते हैं सीधे सीधे, जैसे मान के चलिए आप देखेंगे मार्केट में, आप देखेंगे कि कोई 2 साल से लिकोरिया से परेशान है, 3 साल से लिकोरिया से परेशान है, कई जगह इलाज करके बैठे हुए, आप अगर इसको देंगे ना मिनी केयर के साथ में सीबीजी दे देंगे, आप देखेंगे एक ही महीना में इतना शानदार रिजल्ट आएगा कि आप बोल नहीं सकते, बता नहीं सकते, आप वो खुश हो जाएंगे लोग। डेक्कन का नो डाउट प्रोडक्ट हमारा बहुत बढ़िया है, आप किसी को भी दे दीजिए, आप किसी को भी दे दीजिए, और वहां से इतना सेटिस्फेक्शन होगा। अच्छा, ये बात हम लोग जेंट्स कर रहे हैं, अब ये जेंट्स कर रहे हैं तो ये बात दिक्कत कहाँ आती है समझिए, हमारी घर में बच्चियां हैं, 12 साल 14 साल सी बच्चियां हैं, उनको प्रॉब्लम होता है, वो खुल के समझ नहीं पाती है, और उसके बाद धीरे धीरे उसका शरीर कमजोर लगने लगता है, देखने में चेहरा एकदम मुरझाया हुआ लगेगा, और जब बेड में पड़ेगी तो दिन भर घर में लोग बोलेंगे कि कैसी लगती है, दिन भर सोई रहती है, उसके प्रॉब्लम को लोग नहीं समझते, तो प्रॉब्लम यही रहता है, वो दिक्कत पहले से स्टार्ट हो जाता है।
आपको बता, जो एक रेशियो है, हमको लगता है 60-70% जो है बच्चियों को, 12 से ऊपर के बच्चों को, मैक्सिमम लोगों को ये लिकोरिया का व्हाइट एक्सट्रैक्ट का प्रॉब्लम रहता ही रहता है। ऐसे में हम लोग समझ नहीं पाते, तो अगर हम उसको मिनी केयर और इसके साथ में सीबीजी लगाते हैं, तो फाइनली एकदम से वो रिजल्ट बहुत अच्छा हो जाता है। तो एक हो गया ये, जो 2 साल 3 साल 5 साल से भी परेशान है, आप दीजिएगा तो एकदम से खुश हो जाएंगे वो। अभी बात हो रही थी वही बच्चेदानी में प्रॉब्लम है, आप देखेंगे जो भी महिला डॉक्टर के संपर्क में आ जाते हैं, ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ यही केसेस है। और वहां पर जाने के बाद में आगे बोलेंगे कि नहीं दिक्कत है बहुत ज्यादा, हस्बैंड को समझ में नहीं आता है मैटर, और उसके बाद डॉक्टर जो बोलती है वो सुनते हैं, और उसके बाद जाकर के पता चलता है कि बच्चेदानी ये बाहर कर लिए, निकाल लिए, हटा लिए। देखिए ऊपर वाले का दिया हुआ शरीर में जो भी कुछ है उसका सारा सब कुछ सही है। अगर हम अपने से कारीगरी करते हैं या इस तरह का चीजों से डर के कुछ करते हैं, तो ये हमारे लिए मिस्टेक है। हाँ होता है, केसेस होते हैं, हमको निकालने का जरूरत पड़ेगा तो निकालेंगे, ऑपरेटेड करने का जरूरत पड़ेगा तो करेंगे, लेकिन हम पहले कोशिश करेंगे आयुर्वेद की तरफ। और आयुर्वेद एक ऐसा चीज है जहां पर बरसों से नहीं, जब से सृष्टि है तब से आयुर्वेद ही है। उस टाइम पे भी प्रॉब्लम होता था और ऋषि मुनियों के द्वारा, वैद्य के द्वारा, हकीमों के द्वारा इलाज हो जाता था, आज भी होता है। लेकिन हम क्या है कि आयुर्वेद को उतना ज्यादा प्रमोशन नहीं हो पाया, क्योंकि आयुर्वेद का 10-10 माले का बिल्डिंग बड़ा हॉस्पिटल बना के क्या करेगा, उसमें ओटी बनाना नहीं है, ऑपरेशन होना नहीं है, और किसी तरह का बहुत सारा एमआरआई वगैरह होना नहीं है, या बहुत हाई फाई कुछ करना है नहीं। तो इसके चलते आयुर्वेद एकदम से छोटे छोटे जगहों पर रहा और वो सीमित रहा। लेकिन अब समय जो आया है, अभी लोगों को धीरे धीरे एलोपैथी ये समझ में आने लगा है कि कुछ दिनों के लिए ठीक रहते हैं फिर खराब, फिर कुछ ठीक रहते हैं फिर खराब। एक दवा हम कोई ले रहे हैं उसमें एक तो अच्छा चीज है लेकिन बाकी बहुत सारा साइड इफेक्ट। तो धीरे धीरे लोगों को समझ में आया। आप बिलीव करिए, आज से 15 साल पहले अगर आप अपने दिमाग को थोड़ा दौड़ाएंगे तो देखेंगे एक मेडिकल में 15 साल पहले कोई भी मेडिकल में आपको नहीं मिलता था, कहीं पर आपको तुलसी नहीं मिलता था, कहीं पर आपको सिर्फ क्या मिलता था, एक एक हमदर्द का सिरप मिलता था, सदूरी मिलता था, हिमालय का लिप 52 मिलता था, सिंकारा मिलता था, हमदर्द का ये मिलता था। आज के डेट में जाकर के देखेंगे तो 20% के आसपास, लगभग लगभग 20% जो उनके मेडिकल में जो जगह है, स्पेस है, उसमें लगभग 20% आपको आपको आयुर्वेद मिलेगा। इसका मतलब ये हो गया है कि आयुर्वेद में रिजल्ट है, मजबूरी में लोगों को इसको एक्सेप्ट पड़ रहा है और लोग इसको कर रहे हैं। अब दूसरी बात, बहुत सारी कंपनी जो आई है मार्केटिंग में, इसने क्या किया है, आम लोगों के दिमाग को थोड़ा खोल दिया है, जो जिस कंपनी से भी है। ऐसा नहीं है कि इस प्रोडक्ट सभी कंपनी के खराब है, सबके प्रोडक्ट कुछ ना कुछ तो अच्छे है ही है। अच्छा, किसी के जल्दी काम करते हैं, किसी के लेट से काम करते हैं, काम तो करते हैं। ऐसे में जितने भी प्रोडक्ट्स हैं जो भी आयुर्वेद सेक्टर के, तो हम आप जैसे लोग जुड़े हुए हैं और लोग जुड़ रहे आयुर्वेद की तरफ, दिमाग उनके बैठ चुका है कि आयुर्वेद से सारे बीमारी का एकदम क्लियर क्लियर सफाया हो सकता है, क्लियर खत्म हो सकता है, ठीक हो सकते हैं परमानेंटली। अब जो हमारे पास आयुर्वेद में आप देख रहे हैं कि बीपी की दवा हम कंटिन्यू खा रहे हैं, अब ये छूटना नहीं है, शुगर की दवा कंटिन्यू खा रहे हैं, अब ये छूटना नहीं है, हार्ट का प्रॉब्लम है तो उसके लिए चल रहा है इकोस्प्रिन, अब छूटना नहीं है, उसके बाद मान लीजिए माइंड का कोई चल रहा है उसके लिए छूटना नहीं है, हमेशा जिंदगी भर जिनटेक ऐसी लोग लेकर के गैस का दवा नहीं खाएंगे तो कुछ भी हो जाएगा, ये छूटना नहीं है। तो यहाँ पर हमारे साथ ऐसा कुछ कंटिन्यू, यहाँ पर सिस्टम ठीक करना है, एक दिन का टेम्पररी रिलीफ नहीं करना, ये परमानेंट सॉल्यूशन है। इसीलिए आपको और हमको इस प्रोडक्ट को ज्यादा से ज्यादा फैलाने का जरूरत है। कोई भी पेशेंट मिले, इस तरह का कोई भी पेशेंट मिले जिस जो गायनिक रिलेटेड इश्यूज में इन्वॉल्व है, आप एकदम से उसको सिर्फ पता करिए और एकदम से उसको दीजिए, उसको बोलिए भैया 100-200-500-1000 रुपया खर्च करना बार बार जिंदगी भर अच्छा नहीं है, एक बार आपको भले थोड़ा पैसा लगेगा, एक बार आप 2 से 3 महीने, 3 महीने आप इसको ले लें और आप बिलीव करेंगे आपको रिजल्ट इतना अच्छा हो जाएगा कि मत बोलिए। हाँ एक चीज और है, जैसे क्या है, मान के चले हम मिनी केयर दे दिए, सीबीजी दे दिए, अब उसमें क्या प्रॉब्लम है, कभी कभी बीच में हम वाइटल वुमेन भी देते हैं, अब इसमें क्या होता है कि उसमें यूट्रेस में पेन कर रहा है, पेन से थोड़ा लोग परेशान है, लोग और परेशान है, अब बोल रहे बार बार दर्द हो रहा है, तो डॉक्टर के पास दोबारा जाएंगे तो बोलेगा हम तो बोल रहे हैं ना आप इसको हटा दीजिए, निकलवा दीजिए, आप लोग इसको जितना देर करेंगे ना उतना प्रॉब्लम आएगा। आपको मैं बता रहा हूं ना, आपके पास करक्यूमिन है, अगर उसकी पॉकेट अलाउ नहीं कर रही है कि 2700 रुपये हम लगाएंगे, तो आप क्या करिए ना उसमें से 10 डब्बों 10 गोली निकाल के दे दीजिए, और 10 गोली निकाल करके दे दीजिए, और आप देखेंगे कि मतलब वो पहले दूसरे तीसरे दिन में ही एकदम से एकदम आराम हो जाएगा, दर्द वर्द सब कुछ चला जाएगा। तो ये
बहुत जबरदस्त प्रोडक्ट है मेरे समझ से लेडीज के लिए, इतना जबरदस्त प्रोडक्ट लेडीज के लिए और कोई नहीं है, ये बहुत जबरदस्त, बस इसको चलाइए। अच्छा, बीच बीच में जो हमारी महिलाएं हैं उनको मैं आपको बोल रहा हूं, अगर वो 12 से ऊपर में है, 12 से लेकर 40 ईयर्स के अंदर में है, तो आप उसको मिनी केयर दीजिए ना, एक एक दीजिए, अपने घर में है तो एक एक दीजिए, अगर बजट का इशू है तो एक दीजिए, उसके लिए फुल न्यूट्रिशन है। और अगर उससे ऊपर 40+ है तो मैक्सी केयर की दीजिए, जो भी प्रॉब्लम है वो धीरे धीरे करके, नहीं वो सब कुछ डला हुआ उसमें, लेकिन ये स्पेशली यूटीआई के लिए है। तो यहाँ पर ये प्रोडक्ट ये बहुत अच्छा है। अब इसके बारे में और मैं कुछ नहीं बताऊंगा, आगे उसमें और भी बातें होंगी,